नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे पर्यटन नगरी खजुराहो में हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का। बुधवार को छतरपुर जिले के 9 निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए मतदान किया गया। पार्षदों ने सम्मेलन के जरिए अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने। खजुराहो एक अहम नगर परिषद थी। 15 वार्ड वाली इस नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया के हिसाब से ही नतीजे सामने आए हैं। अरविंद पटेरिया इस राजनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और वो यहां से पराजित हुए थे, लेकिन वे इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अघोषित विधायक हैं। इस पूरी सीट पर उनका दबदबा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नजदीकी होने के कारण राजनगर और खजुराहो नगर परिषद में भी उनके हिसाब से नतीजे सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और भाजपा के अरुण अवस्थी अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे हैं। कैसे इस जीत को आसान किया अरविंद पटेरिया ने, इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले खजुराहो नगर परिषद के समीकरणों को समझते हैं। खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी के पास 7 पार्षद थे। कुल 15 पार्षदों वाले इस नगर परिषद में भाजपा के 7 पार्षद ही चुनाव जीत कर आए थे और कांग्रेस के 4 पार्षदों ने चुनाव जीता था। 4 ऐसे प्रत्याशी थे जो निर्दलीय तौर पर चुनाव जीते थे, यानी कि कुल मिलाकर ना तो भाजपा के पास पर्याप्त आंकड़ा था और ना ही कांग्रेस के पास। बहुमत का आंकड़ा किसी के पास नहीं था, लेकिन इसी बीच अरविंद पटेरिया ने 4 निर्दलीय प्रत्याशियों में से 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा में शामिल करा लिया। पिछले दिनों की ये तस्वीर है जब अरविंद पटेरिया इन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को भोपाल लेकर गए और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से उन्होंने भाजपा की सदस्यता इन प्रत्याशियों को दिलाई थी। इस तरह से जो 7 पार्षद प्रत्याशी चुनाव जीतकर भाजपा की ओर से आए थे, वो इन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों के सहारे अब 10 की संख्या में पहुंच गए और इधर कांग्रेस इस खेल से काफी पीछे हो गई। सिर्फ 4 पार्षद कांग्रेस के पास थे, इसलिए उनका चुनाव लड़ना बनता ही नहीं था। बहरहाल बुधवार को यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। चुनाव इसलिए हुए क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते एक बागी नेता योगेंद्र सिंह चंदेल ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। योगेंद्र सिंह चंदेल पहले अरविंद पटेरिया के खास हुआ करते थे, लेकिन पिछले दिनों मनमुटाव के चलते वे भाजपा से बगावत कर गए और उन्होंने निर्दलीय तौर पर पार्षद का चुनाव लड़ा भी और चुनाव जीता भी। उनके चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी दावा ठोक दिया और नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, लेकिन वे काफी पिछड़ गए। यहां निर्वाचन हुआ अध्यक्ष की कुर्सी के लिए तो अरुण अवस्थी को जो 10 वोट मिलने चाहिए थे उसके मुकाबले 11 वोट मिल गए, यानी कांग्रेस के 4 वोट में से भी 1 वोट क्रॉस वोट हो गया और 11 वोट के साथ अरुण अवस्थी अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे, जबकि निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले योगेंद्र सिंह चंदेल को कुल 4 वोट ही मिले और इस तरह से अरुण अवस्थी, जो कि काफी करीबी हैं भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया के, वो यहां पर अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए। यहां भाजपा ने उनको अधिकृत प्रत्याशी भी बनाया था। इसके अलावा उपाध्यक्ष के तौर पर बिट्टीबाई पाल भी उपाध्यक्ष बनने में कामयाब रही हैं और उनको लेकर कोई चुनाव भी नहीं हुआ, वो निर्विरोध ही अध्यक्ष चुन ली गई। तो खजुराहो पर्यटन नगरी है छतरपुर जिले की और यहाँ का ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण था और इस चुनाव में अरविंद पटेरिया की रणनीति काम कर गई। निश्चित रूप से इसका क्रेडिट अरविंद पटेरिया को मिलेगा और खजुराहो की सड़कों पर जुलूस और जश्न की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ अरविंद पटेरिया किस तरह से धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हो रही है। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का क्षेत्र है। ये पूरे नगर वासियों की, मुझे चुनाव में देखने को मिल रहा था कि पूरे नगर के लोगों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह था, लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी के कामों को, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी कामों को, हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय विश्वजीत शर्मा जी ने जो खजुराहो में अभी तक जो काम किए, निश्चित रूप से उसका प्यार इसलिए जनता ने दिया है। और जिस प्रकार से आपने जीत हमारी भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे निर्दलीय
पार्षद जीते थे उनने हमारा जो सहयोग किया, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है, मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि खजुराहो की जनता ने जिस प्रकार से विकास को वोट दिया है, मैं भगवान मृतंगेश्वर से भी यही प्रार्थना करूँगा कि सभी को इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रहें। भारतीय जनता पार्टी पर सभी यहाँ पर जो नगर पर जिस प्रकार से मृतंगेश्वर की कृपा है, हम अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। जनता ने जो प्यार दिखाया है, मैं एक सेवक बन के, जो आदरणीय सांसद जी का संदेशा है कि सेवक बन के काम करना, हमेशा सेवक बन के आप सबके बीच में काम करूंगा, यही मेरी सबसे।